झंडा चलाना, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का अभिन्न अंग है। इस वक्त ट्विटर के अंदर राहुल गांधी को मद्दार बता रही है बीजेपी आईटी सेल। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के इस ट्वीट के मुताबिक वो तीन भारतीयों को जो पुलित्जर प्राइज मिला है उसकी बधाई दे रहे हैं। दरअसल इनमें से कश्मीरी भी हैं और उन्हें जो पुलित्जर प्राइज मिला है वो इन तस्वीरों के लिए मिला है। अब इन तस्वीरों के हवाले से और खासकर पुलित्जर प्राइज के साइटेशन में जो लिखा है उसके हिसाब से राहुल गांधी को मद्दार बताया जा रहा है। जब रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा था या सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें बधाई दी थी? क्यों नहीं दी? रवीश कुमार तो गद्दार नहीं है ना। रवीश कुमार मेरे जैसे कुछ अन्य पत्रकारों की तरह इस सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका सिर इतना बुना है, उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला मगर इस सरकार ने मुंह तक नहीं खोला। दिक्कत क्या है मैं बताता हूं तुम लोगों के साथ। 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के लोगों, तुम्हारी अभी आप अभी शांत रहिए मैडम। सच ये है कि तुम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। दिक्कत ये है तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। खैर, जाते जाते मैं एनडीटीवी के एक पत्रकार सोहित मिश्रा के ट्विटर टाइमलाइन पर इन दो ट्वीट्स की चर्चा करना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर ये गर्भवती महिला, आज इसके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है और ये वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रही है। इसकी हालत बहुत बदतर है। आज आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो गरीब, ये जो गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चों को कंधे पर रखकर आज की तारीख में जो अपने घर का रुख कर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी खराब प्लानिंग की वजह से आज ये लोग इस दोजक का सामना कर रहे हैं? जो तस्वीर मैंने आपको बताई जिसमें गर्भवती महिला बेहाल बैठी हुई है और उसके पास कोई विकल्प नहीं मौजूद है, इसके ऊपर इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। अलबत्ता इन्होंने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि लोग किस तरह से महिलाओं के खिलाफ उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें करते हैं। आज मैं तीसरी बार सफूरा जरगर की बात कर रहा हूं। सफूरा जरगर जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, गर्भवती है और बीजेपी आईटी सेल और उसके नेताओं ने उनके खिलाफ एक बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा चलाया। क्या आप जानते हैं, पहले तो यह कहा गया कि इनकी शादी ही नहीं हुई है और ये ऐसे ही गर्भवती हो गए, जबकि ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो अपने पति के साथ भी दिखाई दे रही हैं और शादीशुदा भी है। मैं कहता हूं अगर वो शादीशुदा ना भी होती तो एक गर्भवती महिला के बारे में तुम्हें किसने अधिकार दिया इस तरह की गंदी बातें करने का? और ये बात कोई और नहीं, इनके अपने घटिया नेता कह रहे हैं। आखिर क्यों? जाते जाते एक तस्वीर, एक वीडियो। इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से एक मां अपने बच्चों को अपने कंधे पर, अपने गोदी में लादे जा रही है। इसके चेहरे पर एक मुस्कान है। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर कोई नहीं हो सकती मगर उम्मीद की एक हल्की सी किरण इस मां के चेहरे के मुस्कान से दिखाई दे रही है। बताइए ना, क्या हम इस उम्मीद की किरण की हमें आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं? क्या उम्मीद की किरण नफरत के इन तमाम अंधेरों को दूर कर सकती है? इस सवाल का जवाब है आपके पास। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज प्लेटफॉर्म को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कीजिए।
नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये है हमारा कलर वॉश, इस तरह से कलर वॉश कर लेते हैं।
तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम इसमें आ कर सकते हैं कलर वास। ये कलर वास की पद्धति से एक तरह से हमें इस पर फाइनल कलर वास मिल गया, ये संभवतः आप देख पा रहे होंगे। तो धीरे से अब इसको हम सूखने देंगे बगैर किसी भी उसकी दिक्कत के, फिर इस पर हम फिनिशिंग करेंगे, टच फिनिशिंग टच करेंगे, और फिनिशिंग टच के साथ फिर ये इसका जो पूरा फाइनलाइजेशन है वो हो जाएगा। तो हम आज काफ़ी आपके इस उसके लिए काफ़ी समय तक हमने काम किया है, मुझे लग रहा है कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। आज इसको